ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜ਼ਕਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਘਰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਤੇ, ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਰੋਤੇ ਹਨ। जी, इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि तीन साल गुजर गए इस हुकूमत को, और जो बजट मंजूर हो रहा है उसमें से तरक्याती बजट में से यहाँ पर कोई एक रुपये भी नहीं लगाया जा रहा। माजी में इसका बजट जो आज़ाद कश्मीर का जो बजट था तरक्याती, वो 11 अरब था। अब 110% बजट जो है वो उसमें तरक्याती बजट इजाफा हो चुका है। इस वक्त 24.5 अरब जो है वो बजट मिल रहा है, और उसके बावजूद हुकूमत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये तामीर की गई थी। इसी तरह यहाँ पर कोई पार्क तामीर नहीं हुआ, कोई स्कूल नया तामीर नहीं हुआ, अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है, सीवरेज उबल रही है, यहाँ पर बल्दिया जो है वो नाकाम है। बल्दिया ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सालाना करोड़ों रुपए जो है उसकी आमदन है, और इसी तरह तरक्याती इदारा और बल्दिया की आपस में जो है वो एक चपकरश है, एक जंग है, इख्तियारात की जंग है, और जो सियासी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है। फिर जो तरक्याती फंड्स आते हैं, जो जिसमें वज़ीर आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के फंड्स है, वो सिर्फ अपने सियासी जो अलले तलले हैं उनमें तकसीम किया जा रहा है। एक गली को एक गली की तामीर करने के लिए अगर 3 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं, वो वहाँ पर वो 50,000 भी अगर लगा लें तो फिर भी एक बंदा कहे कि कोई फंड लग रहे हैं। तो सारा जो है इस वक्त जो पैसा वो ज़ाया हो रहा है। बदकिस्मती से मौजूदा जो हुकूमत है इस वक्त नून लीग की, और जिसके प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर खान साहब हैं, अपने अपोजिशन के दौर में ये उस वक्त हुकूमत पे बड़ी तनकीद करते थे, करप्शन की बातें करते थे, तरक्याती फंड्स तरक्याती अमूर के हवाले से ये नुक्ताचीनी किया करते थे। इन्होंने आके यहाँ जो आज़ाद कश्मीर में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तामीर और तरक्की के लिए कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वज़ीर आज़म कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, जिसमें सालाना एक MLA को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया जो मिल रहा है, जबकि इससे पहले की हुकूमतों में MLA को सालाना 30-35 या 40 लाख रुपया मिलता था, और ये तो कई गुना ज़्यादा बजट चला गया। मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरा ये दावा है, चैलेंज है, कि अगर कोई एहतसाब का अदारा, कोई एंटी करप्शन का अदारा, कोई इस तरह मुआवजा मुहासबा करने वाला अदारा हो, ये जो वज़ीर आज़म कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आज़ाद कश्मीर की 72 साल तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन प्रोजेक्ट है ये। और मैं ये समझता हूँ ये अरबों रुपये ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग के कारकुनों की जेबों में गए हैं, या उनके जो बड़े वज़रा हैं, जो MLAs हैं, उनकी तिजोरियों में गए हैं ज़मीन पर। मौजूदा हुकूमत ने मुजफ्फराबाद में, मुझे तो नज़र नहीं आता कि किसी जगह इन्होंने एक ईंट भी लगाई हो, और ये बड़ी बदकिस्मती है। एक तरह अरबों रुपये का बजट है, ज़मीन पर काम कोई नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं होया, ना किसी को ज़कात मिलती है, ना किसी को नौकरी मिलती है, ना किसी को कोई चीज़ भी नहीं मिलती। तो कहते का इंसाफ है? घर में चार बेटे हैं, पांच बेटे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, मजदूरी करता है, शाम को बच्चे भुखे होते हैं, कुछ देता है या नहीं देता, तो वो बच्चे पिटते हैं, रोते हैं। जलजले के बाद जो है ना, पार्क जो है ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे गंद वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इधर नीलम पार्क जो मशहूर जगह है, इस जगह पे पार्क ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो सफाई भी होगी। देखें जी, अभी इधर ईद पे मंडी लगी हुई थी ना, मुस्लिम कॉर्पोरेशन वालों ने ठेका दिया हुआ था इधर, तो इस पार्क की सफाई वगैरह नहीं हुई। लोग इधर आके जनाजा वगैरह भी पढ़वाते हैं, मुकामी लोग हैं ना, खुद इधर सफाई वगैरह की है, देखभाल करते ही नहीं। वे जब कोई आ जाता है जी, सर्कस वाले आ गए थे पिछले दिनों, तब सफाई होती है, वरना इस पार्क को पूछता ही कोई नहीं। जी, मेरा नाम उमर है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। अगर इसमें करोड़ों रुपये खर्च किए जाते तो आप देख सकते हैं, अभी ये आपके सामने का हाल है। एक हुकूमत आती है, वो कहती है जी वो चोर थे, उन्होंने ये किया, हम ये करेंगे, ये करेंगे। पार्कों का हाल देखेंगे, ये भी टूटे हुए हैं, इधर टूटे हुए हैं। सब कचरा, जो भी कचरा आता है वो यहीं पर फेंकते हैं। एक डिम्पर आता वो फेंक के जाता है, दूसरा आता वो फेंक के जाता है। अगर नज़म व ज़ब्त होता तो ये काम होता ही ना। बस एक कहते हैं, एक हुकूमत आई वो कहती है हम ये करेंगे, दूसरी हुकूमत आई कहती है हम ये करेंगे, सब चोर हैं। ये 2 सालों के पहले एक यहाँ पे 50 रुपये टिकट लेके फिर अंदर जाना जाने देते थे, तो यहाँ पे अब मट्टी बनी, अब हम आके खेलते हैं, सिर्फ बस यही चले जाते हैं। यहाँ पे कोई पार्क बनाते ही नहीं, हम बच्चे खेलें कूदें।